स्कूटी और कार में बहुत फर्क है बहन, वो दोनों उसके लिए सेम है, वो दोनों पैर से ही रोकती है। Hi guys, good morning, welcome back to another vlog. क्या हाल है सबको, राधे राधे। तो आज हम करने वाले हैं हमारा A to Z चैलेंज का B चैलेंज कंप्लीट। तो B से हम जा रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा सेवा करने के लिए। आई नो कि ये कपल डेट होनी चाहिए, पर सेवा का मौका यार सबको मिलना चाहिए। तो पूरी फैमिली जा रही है, तो मैं, मम्मी, प्रिया और टीना और जसलीन जा रहे हैं। और रौनक और आंटी कहीं बाहर गए हुए हैं तो वो नहीं जा पाएंगे। और पापा जो है वो सुबह सुबह हिसार चले गए, नहीं तो पापा भी जाते हैं। तो फटाफट से सब रेडी हो रहे हैं, तो इतने मैं और जसलीन फटाफट से एक छोटा सा शूट निपटा के फिर हम निकलेंगे। बाकी थैंक यू आप लोगों का भी, आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए और हमें बताया कि बी से क्या करना चाहिए। तो हमने उसमें से एक कमेंट पढ़ा था, बंगला साहिब गुरुद्वारा मेरे मन में भी था, जसलीन के मन में भी आया था, सबके मन में पहले बी से बंगला साहिब गुरुद्वारा ही आया था। और फिर बाद में जब एक प्यारा सा कमेंट करा कि आप सेवा भी कर सकते हो साथ में जाके, तो मुझे क्लिक हुआ यार बंगला साहिब गुरुद्वारा में जाके सेवा कर सकते हैं। दैट विल बी मतलब बहुत ही प्यारी डेट नहीं कह सकते, मतलब बहुत ही प्यारी आउटिंग हो जाएगी। लेट्स गेट वर्किंग, पहले काम कर लेते हैं फिर निकलेंगे गुरुद्वारे। क्या भाई आज तुमने ड्रेस कोड सेट किया है? Yes. सेवा करने का? अच्छा, मुझे लगा जब नीला कुर्ता पहन के आओगे। क्यों गुरुद्वारे जा रहे थे, मैंने कहा अच्छा सा शर्ट कुर्ता नीला पहन के आओगे। पहन लूंगा, कर लूंगा चेंज। आप भी कैसे कुर्ता नहीं पहना? हां भाई, कब तक कपड़े धोएगी? धोबी घाट बना दिया तूने घर को, इसने भी और मेरी मम्मी ने भी घर को धोबी घाट बना दिया। वाकई में 24 घंटे लोग कपड़े ही धोते रहते हैं। नहीं मतलब तुम लोगों को मुझे बताना नहीं चाहिए था कि भाई कुर्ते पहन के जा रहे हैं, जूते पहन के जा रहे हैं, मैं ये चप्पले पहन के आ गया हूँ, तुम लोगों ने जूते पहने में, वहां जाके मेरे को कितना ऑड लगेगा। प्रिया भी अगर जूते पहन के आ गई तो सब में ऑड वन आउट मैं ही हूँ। कोई बात नहीं, मंगा लिए ना भैया, जूते कहाँ है आपके? चल मुझे लगा ना बंगला साहिब जाएंगे सिर्फ, तो मैंने कहा गुरुद्वारे में जाना, जूते का क्या काम है, थोड़ा इजी भी लगता है। बंगला साहिब जा रहे हैं तो ये इतनी सी दूर पे जनपद है, और अभी हम लोग परसों भी गए, परसों और अगर हम कहीं किसी खाने चले गए पिज्जा वगैरह, फिर कल थोड़ी गए थे हम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे परसों गए थे हम जब प्रीति को मिलने, तब भी जनपद नहीं जा पाए थे क्योंकि हमें पार्किंग ही नहीं मिली वहाँ पे। तो भी मेरे को दो चार चीजें ऐसे पसंद आई थी, पर तो मैं अब गाड़ी वहीं रोकूंगा जहाँ मैं चप्पलों में जा सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह जा सकते हो चप्पलों में, क्या लोग चप्पलों में जाते नहीं है? मैं ये कह रहा था कि मैंने कुर्ता मंगवा लिया है, नीचे ही ऊपर नहीं जा रहा अब मैं, तो मैंने कहा यही गाड़ी में ही चेंज कर लूंगा, कौन ऊपर जाए। मैंने कहा कुर्ता तो पहनूं कम से कम। हाँ कुर्ता तो पहनना ही चाहिए यार, बढ़िया लगता है गुरुद्वारे में, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। यार नहीं वो, अच्छा ये भी कुर्ते में है, वाह बेटे वाह, थप्पड़ मारूंगा ना कान के नीचे। लेके नीली निकाल के रखी थी, जल लेके नहीं नहीं अक्टूबर चाबी लाए नीचे गेट की। अच्छा हुआ पता नहीं आया ही नहीं वो, बदलोगे काम। ये देखो एक काम दिया वही काम नहीं हुआ, उसके बाद ज्ञान भी मुझे, वाह बेटे अभी बोला है कैरी ला रही, अभी बोला है जस्ट अभी फोन अभी पे बोला है कैरी लाई, तो लाई नहीं तो फिर इसे मेरी थोड़ी गलती है। अब देखो इसमें भी दूसरी गलती, खुद को नहीं याद रहा तो सामने वाला गलत है। वाह भाई चलो कोई नहीं, अब चलो चले चलो राधे राधे। आंटी ब्लू दिलाती है, आंटी आज लग रहा है आपका सूट बहुत सुंदर, एकदम चटक चटक प्यारे लग रहे हो। यही कलर पसंद है, मैं यही तो कहती हूँ आपका ब्लू फेवरेट है, पर ऐसे कलर पहना करो ना। आंटी का ब्लू फेवरेट है, आंटी सबको ब्लू। ये लोग आए लेट नाइट, कहाँ से पता नहीं कहाँ गए थे घूमने, अपने दोनों ने हेलमेट अपने रेडी करे, कपल गोल। हाँ कपल गोल चला रहे हैं, ये अलग ही। अंकल इतने दिन बाद आए हैं, तो आंटी और अंकल की स्कूटी ड्राइव तो फिक्स है। अंकल आज इसार भी पहुँच गए दादी से मिलने। कब आएंगे? रात को, सुबह निकल गए 4 बजे। अरे सही, अब आएंगे कब? रात को, अभी तो यही है अंकल। अरे गए इसार? नहीं नहीं बॉम्बे के लिए पहुँच गए, संडे को जाएंगे कह रहे हैं। पर मेरे हिसाब से पापा को ब्लॉगर और ट्रैवलर होना चाहिए, ट्रैवलिंग ब्लॉगर, क्योंकि वो रुकते नहीं है। मॉम मेरी मम्मी और आपके पापा भी दोनों ट्रैवलर है भाई, दोनों को करा, अगर ये जोड़ी बना ले तो पूरी दुनिया घूम ले, पूरे ब्लॉगर बन जाएंगे ये। पापा तेरे को देख रही कैमरे वाले शॉट्स कैसे कैसे लेते हैं। हाँ हाँ पापा मेरे ऐसे फोन पकड़ के ऐसे लेते रहते हैं, पूरा एक साथ अंकल ऐसे फोन घुमाते हैं और सीधा व्हाट्सएप स्टेटस, एक एक कोना तक दिखा देते हैं लोगों को, ये जगह पे इधर ये चीज है। एक चीज नहीं समझ आती, दिन रात उसको छोटे वाले वो व्हाइट रसगुल्ले पता नहीं क्या पसंद आ गए हैं। अभी वर्कआउट नहीं हो रहा है ना आपका? कोई बात नहीं ना, एक आध दिन की बात है, ले आए यार जाके बगल में है अग्रवाल स्वीट्स, अभी पूरा यू टर्न लेके जाएंगे। नहीं नहीं मैं उधर खड़ा हूं, तो जाके ये बीकानेर है ना साइड पे, बीकानेर से ले लेते हैं, बहन को भी खाने हैं अग्रवाल स्वीट्स। बहन की बात नहीं है आंटी, ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, खाती तो वो भी मेरे साथ है, खाती है तभी रसगुल्ला हुई जा रही है, छोटे वाले रसगुल्ला रसगुल्ला हुई जा रही है।
किसको कह रहे हैं? मुझे? दोनों को। तू तो गोलगप्पा है। मैं तो पतली। ये रसगुल्ली है पीछे, ये गोलगप्पी है और वो पीछे टिक्की। टिक्की आटू। समझ नहीं आ रहा ये लड़की रसगुल्ले लेने गई है कि रसगुल्ले बनाने गई है। भाई मिठाई दुकान में काम ही पकड़ लिया गया इसने। पता चला अगले महीने आए सैलरी लेके डायरेक्ट बाहर। जॉब लेने लगता है। हाँ बताओ। भले आजकल पता नहीं इसको मीठा तक क्यों पसंद आने लग गया। भैया 250 ग्राम ही लूंगी वरना सारे के सारे अभी खा जाएगा। ये थोड़े से ही लूंगी। ये लो भाई आपके रसगुल्ले। थैंक यू सो मच। ये उसकी है लिविंग का, उसको दे दो। क्या टीना के लिए? ओपन अप दिस ब्यूटी। थैंक यू सो मच गर्ल फॉर दिस। इसमें से भी दो खाने बोलो, इतने से लाइए बहुत है मम्मी। बड़ा बड़ा निपटा दो सब। जो गोल चक्कर है, इस गोल चक्कर ने परसों हमें घम चक्कर साबित कर दिया। ये थी कोऑर्डिनेटर, ये थी हमारी जिसने हमें बताया। तो पहले इस गोल चक्कर से एक्चुअली हमें जाना था इस रोड पे इधर, तो पहले हम गए इधर, फिर यहाँ से यू टर्न मार के आए, फिर हम चले गए इधर, फिर यहाँ से यू टर्न मार के फिर इधर गए। देखो मैप में पता भी नहीं चलता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। अभी अब हमें पता चल गया कहाँ जाना है। बढ़िया स्कूटी चलाती हूँ, कभी स्कूटी और कार में बहुत फर्क है। वो दोनों उसके लिए सेम है, वो दोनों पैर से ही रोकती है, स्कूटी भी और गाड़ी भी। कौन तू मुझे स्कूटी कब पैर से रोक, कब मुझे पैर रोकते मुझे हाथ से स्कूटी रोकते हुए देखा था। पैर से रोकती हूँ, हाथ से ही रोकती हूँ, ब्रेक से ही दो हाथ से रोकती है, हाथ में ब्रेक होती है। संडे को तो अलग माहौल होता है। इधर अब दोबारा इधर नहीं जाएंगे, हमें इधर पार्किंग नहीं मिली, अब हमें सीधा ही जाना रेड लाइट से। सीधा मिल जाएगी पार्किंग। प्रिया कह रही थी यार जंतर मंतर घुमा दो, प्रिया को दो बार जंतर मंतर घुमा दिया, अभी दोबारा वही रूट से आए हैं। प्रिया बेचारी गुम हो गई। भैया जनपद की पार्किंग कहाँ मिलेगी? तो ये गोल घूम के जाएंगे तो मिलेगी पार्किंग? सबसे सेफ बताऊँ किससे पूछना है? ये लेफ्ट फ्री है। सबसे सेफ बताऊं, ये एसीपी अंकल है ना, दिख रहा है, इनसे पूछो कि कहां पार्किंग है। चालान कटेगा। सबसे सेफ है टोल वालों से। इन्होंने हमारा फ्रीवे भी ब्लॉक कर दिया है। लास्ट अटेम्प्ट करेंगे, अगर हमें यहाँ पार्किंग मिल गई तो ठीक है। पार्किंग फुल है ऑलरेडी, गाड़ी रिवर्स हो रही है। मतलब ये बस वाला मुझे लग रहा है हमारे अंदर ही गाड़ी पार्क कर देगा अपनी। बस पार्क ले जा। तो भाई ये हमारी वाली डरी हुई है कि चाबी दे रहे हैं भैया को, सेफ तो होता है ना। भैया बता दो, वो डरी हुई है उसकी गाड़ी के लिए। सेफ ही है भाई, देखो भैया के हाथ में कितनी सारी चाबियां हैं। ठीक है चलो एक बार मैं भी अपनी पहचान के लिए ले लूं पिंड बलूची। लगा ले जल्दी यार। फिर वही जगह, वही चीजें, वही शकरगंदी, वही विहान, सेम शकल। अच्छा तो मुझे तेरे साथ ये सीपीसी से सीपी शूटिंग करना था, शॉपिंग करना था। तू आज पहले ही आ गई। नहीं सी से सीपी शॉपिंग कर रहे थे हम। सीपी शॉपिंग कर लो मम्मी, आप भी सीपी शॉपिंग। बी से बंगला साई वाली डेट पे सीपी शॉपिंग में ये लेके आएगा, ये शॉपिंग कराएगा मुझे। चलो ठीक है। जनपद की मार्केट ऐसी दिखती है, हमने तो पहली बार देखी। अब थोड़ी बहुत शॉपिंग इसने कर ली है और थोड़ी बहुत शॉपिंग प्रिया ने रिजेक्ट कर दी, काफी वीडियोस हमने बना ली। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सेवा करने के लिए बंगला साहिब। कोई थका तो नहीं है भाई? नहीं, किसने बोला कौन थका? अभी सेवा के लिए सब एनर्जेटिक रहो। डबल टोन है इसकी। दो टोन यूज करती है माहौल के हिसाब से। तो अपने चप्पल जूते उतार दो फटाफट। मम्मी अपनी न्यू उतार दो। चलो जी।
सेवा भी कर ली, पाठ भी कर लिया, परिक्रमा भी कर ली, अब बारी है लंगर चखने की। कैसा रहा? अब लंगर चखते हैं। कैसा रहा भाई बी से बंगला साहिब सेवा? बहुत मतलब बेस्ट है ये आज तक की जो भी चीज़ की है। तो ये हमारी मतलब फैमिली डेट हो गई आज, बड़ा मज़ा आया और उतना ही सुकून मिला। अब जा रहे हैं घर, अब रास्ते में कुछ पीने के लिए मिलेगा, पहले कुछ पेंगे फिर घर जाएंगे। लगे हमारे कि आपके दर्शन हुए, कैसे हो आप? ब्यूटीफुल। चल भाई गुड नाइट, कल मिलते हैं, टेक केयर, मज़ा आया।